दी नफीस उर्फ जादूगर को पुलिस ने धरा। छतरपुर पुलिस के नशा विरुद्ध अभियान के तहत जिले में हो रही निरंतर कार्रवाई। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 60 लीटर से अधिक अवैध शराब कीमत 23,500 रुपए की जब्त, आरोपी गिरफ्तार। आदतन अपराधी नफीस उर्फ जादूगर पर मारपीट, संपत्ति का नुकसान जैसे 4 अपराध पूर्व से दर्ज। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने समस्त थाना प्रभारी को नशाखोरों एवं अवैध रूप से नशा विक्रय संग्रह करने वाले तस्कर के विरुद्ध सख्त एक्शन कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। छतरपुर जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत नशा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। दिनांक 19 मई 2024 को थाना सिविल लाइन में देहात भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि सिंगाड़ी नदी के किनारे पेड़ के नीचे के एक व्यक्ति अवैध शराब से भरी 2 बोरियां लेकर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना प्राप्त होते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक वाल्मीकि चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा संबंधित स्थान सिंघाड़ी नदी के किनारे पहुंचे। पेड़ के नीचे 2 बोरी रखे व्यक्ति की तलाशी ली गई। बोरियों को खोलकर देखने पर अवैध शराब प्रिंस लेमन कंपनी की मिली। आरोपी से पूछताछ पर नाम नफीस राइन उर्फ जादूगर निवासी संकट मोचन पहाड़िया छतरपुर का होना बताया। कुल 336 क्वार्टर, कुल मात्रा 60 लीटर, 500 मिली कीमत 23520 आरोपी के कब्जे से जब्त कर थाना सिविल लाइन में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आदतन अपराधी नफीस उर्फ जादूगर के विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी एवं संपत्ति को नुकसान संबंधी 4 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। अभियुक्त को न्यायालय पेश कर जेल भेजा जा रहा है। विवेचना कार्रवाई जारी है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक वाल्मीकि चौबे, सहायक उप निरीक्षक मदन मोहन दुबे, प्रधान आरक्षक राजीव मिश्रा, आरक्षक भूपत सिंह एवं आरक्षक मुकेश चौहान की मुख्य भूमिका रही। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनेन्दु पारिया की रिपोर्ट।